खास करके मैं पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ, आपने क्या करके रख दिया है? मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी गलती है। हम आवश्यकता से अधिक ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं, हम थोड़े ज्यादा ही सोचने लग जाते हैं, और इसलिए मैं समझता हूँ कि जिंदगी में ये कोई आखिरी मुकाम नहीं है, ये जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत पड़ाव आते हैं, एक छोटा सा पड़ाव है, हमें दबाव नहीं बनाना चाहिए। चाहे टीचर हो, स्टूडेंट हो, परिवारजन हो, यार दोस्त हो, अगर बाहर का दबाव कम हो गया, खत्म हो गया, तो एग्जाम का दबाव कभी महसूस नहीं होगा, कॉन्फिडेंस फलेगा फूलेगा, प्रेशर रिलीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और बच्चों को घर में सहज तनाव मुक्त जीना चाहिए। छोटी मोटी हल्की फुल्की बातें जो रोज करते थे वैसी करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था, पहले माँ बाप बच्चों के साथ ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे और सहज भी रहते थे और कई विषयों पर इन्वॉल्व रहते थे। आज जो भी इन्वॉल्व रहते हैं वो ज्यादातर कैरियर, एग्जाम, पढ़ाई, किताब, सिलेबस, मैं उसको सिर्फ इन्वॉल्वमेंट नहीं मानता हूं, और इससे इन्हें अपने बच्चों के असली सामर्थ्य का पता नहीं होता है। अगर माँ बाप ज्यादा इन्वॉल्व है तो बच्चों की रुचि, प्रकृति, प्रवृत्ति, इस सबको अच्छी तरह समझते हैं और जो कमियां हैं उन कमियों को समझ करके उसको भरने की कोशिश करते हैं, और उसके कारण बालक का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। उसकी स्ट्रेंथ माँ बाप को पता है, उसकी वीकनेसेस माँ बाप को पता है, और उसके कारण माँ बाप समझते हैं कि ऐसे समय वीकनेसेस को बाजू में करो, स्ट्रेंथ को जितना बल दे सकते हो दो। लेकिन आज कुछ माँ बाप इतने व्यस्त हैं कि उन्हें बच्चों के साथ रियल सेंस में इन्वॉल्व होने का समय ही नहीं मिलता। इसका परिणाम क्या होता है? आज बच्चे के सामर्थ्य का पता लगाने के लिए पेरेंट्स को एग्जाम के रिजल्ट का सीट देखना पड़ता है, और इसलिए बच्चों का आकलन भी बच्चों के रिजल्ट तक ही सीमित हो गया है। मार्क्स के परे भी बच्चे में कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें पेरेंट्स मार्क ही नहीं कर पाते हैं।